नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गए खबरें फटाफट का। भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता श्रीनेत को आयोग ने लगाई फटकार, दी है चेतावनी। जेल में रहेंगे केजरीवाल, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, कोर्ट पे पहली बार आतिशीष सौरभ के नाम का हुआ खुलासा। सुप्रीम कोर्ट का भोजशाला में एसआई सर्वे पर रोक से इनकार, कहा विवादित स्थान का चरित्र न बदले। उत्तर प्रदेश में ओबीसी ने मुख्तार अंसारी के बेटे को लगाया गले, 40 मिनट के बाद सरकार पर ऐसे साधा निशाना। आईपीएल में टूर्नामेंट के बीच बीसीसीआई ने अचानक बुलाई फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक, लिए जा सकते हैं अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट में बलपूर्वक कार्यवाही नहीं करेंगे कांग्रेस से 1700 करोड़ की रिकवरी पर आयकर विभाग ने कही ये बात। बंगाल में तूफान बारिश में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव, जलपाईगुड़ी में राजपाल ने किया तबाही का मुआयना। आरबीआई ने भारत की बैंकिंग प्रणाली 10 वर्षों में मजबूत टिकाऊ बनी, आरबीआई के 90वें साल में प्रवेश करने पर बोले पीएम। दिल्ली में घुसा तेंदुआ, बुराड़ी में कई लोगों पर किया हमला, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। जयशंकर का कांग्रेस डीएमके पर वार, बोले उन्होंने मुद्दे को ऐसे लिया जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं। बिहार में पप्पू यादव अब लालू के भरोसे, नामांकन की तारीख बढ़ाकर राजद अध्यक्ष से की अपील, कांग्रेस को दे दी सीट। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका बिगाड़ सकती है सीट पर भाजपा का खेल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया ये बड़ी वजह। लोकसभा चुनाव 2024 में हरिद्वार उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक उतारेगी भाजपा, मोदी शाह भरेंगे। उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र, आज से 16,000 से ज्यादा स्कूलों में होगी मिशन कोशिश की शुरुआत। इजरायली सेना ने गाजा के मुख्य अस्पताल से अपने सैनिकों को हटाया, पीछे दिखा तबाही का मंजर। नीतीश कुमार के घर का घेराव कर रहे गेस्ट टीचर्स पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गुजरात के द्वारका जिले से दर्दनाक हादसा, मकान में लगी आग, 4 लोगों के दम घुटने से हुई मौत, मृतका में 8 महीने के बच्चे भी हैं शामिल। कारण से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य, पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी संग मंदिर में किया दर्शन। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, मेयर समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। जमीयत में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बताया गरीबों का मसीहा, बीएचपी ने साधा निशाना। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।